मौजूद हैं बाबर टिक्का हाउस और होटल जिसे हम कहते हैं, आप पारा के अंदर मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि ये लोग क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और किस अंदाज से बनाते हैं। हाँ जी लिया साहब, कितने अर्से से काम कर रहे हैं आप ये? 10 साल से। बस आपकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या आप बनाते हो? मलाई बोटी, दही टिक्का, कबाब। अच्छा, कबाब कौन कौन सी, कबाब में क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप? कबाब में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धड़ा मिर्च, सरफ मिर्च, कीमा, प्याज। और चिकन पीस आपका, उसके क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैरिनेट के लिए करते हैं? उसमें लेमन जूस होता है, सोया चिली, केचप, मेयोनीज, सरफ मिर्च, तंदूरी मसाला, चिकन मसाला। बीफ में आप बीफ कहाँ से लेते हैं और उसकी क्या क्वालिटी क्या होती है आपकी? बीफ हम दिल्ली से लेते हैं। तो कितना आपका बीफ के टिक्के निकल जाते हैं रोज़ के? तकरीबन 10 किलो निकल जाते हैं। 10 किलो बीफ निकल जाता है। ये आप इस वक्त क्या बना रहे हो? ग्रेवी। किस चीज़ की? बीफ टिक्के। बीफ टिक्के का आपने कितने टिक्के इस्तेमाल करते हैं एक हाफ कढ़ाई के अंदर या फुल कढ़ाई के अंदर, जो भी है? फुल के अंदर दर्जन, हाफ के अंदर 6। फुल के अंदर दर्जन और हाफ के अंदर 6 होता है। तो इसमें ग्रेवी में क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर रहे हो? टमाटर, प्याज, दही। क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी? और क्या क्या चीज़ होती है? कितनी देर लग जाती है एक टाइम में? अभी नहीं, जब पक जाएगा ना उस वक्त। और क्या
काली मिर्चें डाली हूँ, अब थोड़े से क्रीम डाल तो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? तकरीबन ये रेस्टोरेंट हो गया है 25 से 30 साल हो गया। आपके पास यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? हमारे पास मटन कढ़ाई होती है, चिकन कढ़ाई होती है, उसके बाद चिकन टिक्के होते हैं, कबाब होते हैं, मलाई बोटी होती है, चिकन बोटी होती है, बिरयानी होती है, और दाल माछ होती है, बड़ी बड़ी मशहूर है दाल माछ, शाही दाल माछ होती है, कीमा होता है बैड़ी का, मटर कीमा जो यहाँ लाहौर तक लोग आगे खाते हैं, बड़ा इन्जॉय करके यहाँ से वापस जाते हैं। आप पारा मार्केट के अंदर बाबर रेस्टोरेंट आपका है जी। टिक्का कढ़ाई खाने का अपना ही मज़ा है, और जब आप दोस्तों के साथ बैठ के या तन्हा बैठ के खाएं तो यकीन करें कि बहुत से लोग याद आ जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।